हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर, और जो टॉप पार्ट के लिए ब्लू फैब्रिक लिया है वो है 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल पे मैं लूंगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूंगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 10.5 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूंगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ मैं लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस तरह से ही हमने मार्क कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है, तो हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम इसे ट्राइंगल में 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ट्राइंगल में हमें 4 फोल्ड करनी है। फैब्रिक को मैंने इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी होगी। तो बॉटम की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 25 इंचेस। तो 25 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से आप राउंड शेप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इन दोनों लाइंस को हम कट करेंगे। तो हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें हाई लो का शेप ड्रो करना है। तो एक पार्ट को हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे, और 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हमें 15 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है, और यहाँ से हम हाई लो का शेप ड्रो करेंगे। तो इस तरह से मैंने हल्का सा ए शेप ड्रॉ करते हुए हाई लो का शेप ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट करना है। तो ये हमने शेप को कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का बॉटम। अब देखिए, फैब्रिक को हमने वापस इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमें 4.5 इंचेस पे एक मार्क करना है, और इस तरफ से भी हम 4.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद राउंड में हमें शेप ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है। लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ से भी हम 11 इंचेस पे मार्क कर लेंगे, और इस तरफ से भी हमें 11 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए।
इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह का हमने सर्कल कट कर लिया है, इस तरह से मैंने ओपन कर लिया है। अब जो हमारा फोल्डेड पार्ट है, यहाँ पे हमें कट लगा के इसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास, जिसकी मदद से हम पैटर्न करेंगे टॉप के पार्ट में। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेक लाइन तैयार करनी होगी। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स में सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम हल्के हल्के यहाँ पे कट लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पर टर्न करना है, और बैक साइड पर सिंपली डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो इससे से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करनी है। तो हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल को तैयार करना होगा। तो मैंने इस तरह से दो बार स्ट्रिप कट कर ली है, जिससे हम यहाँ पे उल्टा रख के दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई करते जाना है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई करनी है। और सिलाई लगाने के बाद हल्के से हम कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने नेक लाइन तैयार की है, वैसे ही हमने इस तरह से आर्म होल भी तैयार कर लिए है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है, इसमें हमें पैटर्न तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा शोल्डर का पार्ट है, इसका हम सेंटर लेंगे और नीचे की तरफ हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से इस लाइन को हम बैक साइड पे भी एक्सटेंड कर लेंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह से हल्का सा क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट में हमें पैटर्न तैयार करनी है। तो जो हमने सर्कल कट किया था, उसकी हमें बॉर्डर तैयार करनी होगी सबसे पहले। तो इसे हमें बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे पीको भी कर सकते हैं। दोनों की बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे हमें इस पार्ट को फिक्स करना है। तो इसके ऊपर हम इस पार्ट को रखेंगे, और जहाँ पे भी हमने लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पे आपको सिलाई करके इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। उसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है, उसे हम इस तरफ लगाएंगे, और यहाँ पे भी आपको ऊपर से कवर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब जहाँ पे हमने सिलाई की है, वहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो इस तरह की हमने लेस ली हुई है, जिसे इसके ऊपर हम रखेंगे, और दोनों तरफ से आपको सिलाई करके इस लेस को यहाँ पे फिक्स करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पे लेस को फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ आपको सिलाई कर लेना है, फ्रंट और बैक में। तो यहाँ पे हमने लेस को इस तरह से फिक्स कर लिया है। तो ये टॉप का पार्ट हमारा रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। इस तरह से आएगा हमारा टॉप का पार्ट। अब ये हमारा फ्रंट का बॉटम है, और यह है हमारा टॉप का पार्ट। इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है, और यहाँ पे दोनों को हमें ज्वाइन करना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है क्रॉस में। दोनों तरफ से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको सिलाई करके ज्वाइन करना है। और बैक पार्ट के साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी इस तरह से ज्वाइन कर लिया है।
अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। ये जो हमारा पैटर्न वाला पार्ट है उसे हम अंदर कर लेंगे और उसके बाद दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और 1 इंच के डिफरेंस पे आपको सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी, तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।